डिप्टी सीएम साहब ने कहा यह धर्म युद्ध है। ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों। अगर धर्म बचाना है तो सब मिल करके बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। अभी कुछ दिन पहले मैं भाषण सुन रहा था डिप्टी सीएम साहब का। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि यह धर्म युद्ध है। ठीक बात है, लोकतंत्र को बचाना भी इस देश का नागरिक होने के चलते हमारा धर्म है। जिस लोकतंत्र के चलते, जिस संविधान के चलते आज मैं यहां खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूं, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर यह धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, एक मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, सब लोग मिलकर धर्म बचाएंगे। यही बात मैंने भाजपा के एक दोस्त को कहा। हमने कहा कि दोस्त, धर्म बचाना है तो चलो नेताओं के बच्चे भी धर्म बचाएंगे। तो भाजपा का वो जो हमारा दोस्त था वो बोला, लेकिन योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। हमने कहा भतीजा है ना, बेटा बेटी नहीं है, भतीजा है ना। जैसा चलेगा ना हमारे साथ धर्म बचाने के लिए? होशियारी कर रहे हो सर, होशियारी अब हम समझने लगे हैं। होशियारी हम इसलिए समझने लगे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, ऑर्गेनाइज एजुकेट, ऑर्गेनाइज एजुटेट, संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो।